जैसा yes एक तो आ रहा है आज पूरा सेक्टर जिसमें मौका दिखा है वो है आई टी बिल्कुल टी सी एस के नतीजे के पहले आई टी शेयर मजबूत दिखाया है आई टी शेयर में हमने कोफोज खरीदने की राय दी थी कोफोज के अलावा एल टी आई माइंट्री और इन्फोसिस ये ओपनिंग में आपको सारे स्टॉक्स हैं जो धीमे धीमे मजबूत होने के संकेत दे रहे तो आई टी सेक्टर आपको पूरा रार पर रखना है यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से और दूसरा सेक्टर जो आज दिख रहा है मजबूती के लिहाज से वो है टेक्सटाइल और रिटेल से जुड़ा हुआ सकता है जिसमें आज हमने सिया राम सिल्क में खरीदने की भी राय दी पाँच छः परसेंट ये ऊपर है आज का हमारा नॉर्थ ने एस आई पी अरविंद फैश, फैशन हमने दिया था वो स्टॉक भी आज अच्छा मजबूत ट्रेड करता देखा तो इस स्पेस के स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है दो लेकिन तीसरा स्टॉक आज बड़ा सरप्राइजिंगली है जो एक्चुअल में जिसका ओपनिंग का हीरो जिसे आप कह सकते हैं जो कल भी था गेस वाट स्पाइस जेट स्पाइस जेट आज फिर से देखिए अच्छा मजबूत पाँच परसेंट चार से पाँच परसेंट और अभी अभी कुणाल जी ने इंडिगो खरीदने की भी राय दी कच्चे तेल की में कमजोरी के साथ ही स्पाइस जेट में भी वापस से एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है और मैनेजमेंट uh, की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो भी काफी मजबूत है आगे एक्सपांशन प्लान काफी स्ट्रांग है ये सब है तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल से जो uh, गिरावट से जिन शेयरों को फायदा हो रहा है वहाँ पर एक्शन पूरा बढ़ता दिख रहा है तो स्पाइस जेट आज ओपनिंग का हीरो फिर से लगातार डे टू डे टू ये स्टॉक लग रहा है शॉर्ट टर्म में सत्तर की तरफ बढ़ने की तैयारी में है हुँ. और बाद में देखते हैं कि जिस किस तरह से आगे रिजल्ट और परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ती है वो देखा जाएगा चलिए तो ये है आपके लिए स्पाइस डे टू आ रहा है अरविंद फैशन इस पर रखें नजर टेक्सटाइल एज स्पेस और आई टी पर रखनी आइए